दोस्तों आज बात करते हैं टॉप 10 आइकॉनिक पाकिस्तानी टीवी ड्रामास यू शुड बीइंग वॉच दिस वीकेंड। नंबर 10, जिंदगी गुलजार है। जिंदगी गुलजार है एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसे सुल्ताना सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया है और मोम प्रोडक्शन की मोमना दुरीद ने इसे प्रोड्यूस किया है, जो हम टीवी पर नशर किया गया था। उमेरा अहमद के इसी नाम के नावल पर मबनी ये पाकिस्तान में 30 नवंबर 2012 से मई 2013 तक पहली बार टेलीविजन कास्ट हुआ। ये कहानी दो अफराद के गिर्द घूमती है जो ख्यालात और माली हैसियत के बरक्स हैं, और इसमें ख्वातीन की एक मजबूत फिल्म का मरकजी किरदार है जिसने ख्वातीन में इसकी मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया है। नंबर 9, प्यारे अफजल। प्यारे अफजल एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जो ARY डिजिटल पर नशर किया गया। नदीम बेग के जेर इंतजाम खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ है। ये सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। ड्रामा में मरकजी किरदार में हमजा अली अब्बासी और आयजा खान थे। प्यारे अफजल ने 2014 में कारीन से बहुत सारे लोगों के इंतखाबी अवार्ड जीते। सालाना लक्स स्टाइल अवार्ड में प्यारे अफजल ने 7 नामजदगियों में से 5 अवार्ड जीते, जिनमें बेस्ट टेलीविजन प्ले बैक के लिए, बेहतरीन हिदायतकार अब्बासी के लिए बेहतरीन अदाकार। नंबर 8, रोग रोग। ARY डिजिटल ने इस ड्रामे के जरिए से मुख्तलिफ होने की हिम्मत की। रोग ने बच्चों से ज्यादती के हसास मामले पर तवज्जो दी और इस तारीख हकीकत को जाहिर किया जो हम अपनी बेटियों और बहनों से पोशीदा रखते हैं। इस ड्रामे में मुतासर अफराद के अहले खाना की जदोजहद और माशरे में जिंदगी बसर करने के लिए, फिट और माशरे में खुद को अहल बनाने के लिए इन तब्दीलियों को दिखाया गया है। रोग एक ऐसा मजमून था जिसको कभी छूना नहीं पड़ा था और बाबर जवेद ने गैर जरूरी मसाले शामिल किए बगैर इस ड्रामे के साथ मुकम्मल इंसाफ किया था। फैसल कुरैशी, आसिफ रजा मीर और सुम्बल इकबाल ने दूसरों के साथ मिलकर अपने मुतनाज़े किरदारों को पूरा इंसाफ फराहम किया, जिसकी वजह से इस मसले को जिंदा किया गया जिसकी जरूरत पहले कभी नहीं की गई थी। नंबर 7, आओ जरा। इसके हिदायतकार हसाम हुसैन है और मुसन्निफ फायजा इफ्तिखार। इसकी कास्ट में उस्मान खालिद भट्ट, माया अली, सबरीन हस्पानी, हिना बैद शामिल हैं। नंबर 6, मेरी जात जर्राए बेनिशां। एक पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा सीरीज है जिसे बाबर जवेद ने डायरेक्ट किया है और इसी नाम के उमेरा अहमद के नावल पर मबनी अब्दुल्ला कादवानी और हमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया है। ये सिलसिला सबा के बारे में है, जो ईमान, वफा और मुआफी के दरमियान पिटी हुई एक औरत है, और ये कहानी दो नस्लों तक फैली हुई है। इसमें समिया मुमताज, समीना पीरजादा, सरवत गिलानी, महरीन राहील, फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी, इमरान अब्बास, असमत जैदी और हमायूं सईद पर मुश्तमिल कास्ट है। नंबर 5, शहरजाद। शहरजाद एक रूहानी रोमानवी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जो मेरा अहमद के तहरीर करदा नावल पर बनाया गया है और ये पहली दफा 2012 में हम टीवी पर नशर हुआ। ये ड्रामा 29 जून 2012 को शुरू हुआ और इसकी आखिरी किस्त 2 नवंबर 2012 को नशर हुई, जिसको नाजरीन ने बहुत पसंद किया। इस ड्रामे ने लोगों के दिलो दिमाग पर एक खास असर किया। शहरजाद नाकदीन की निगाह में भी बहुत मकबूल हुआ। इसमें माहिरा खान, मिकाल जुल्फकार, मोहिब मिर्जा ने अदाकारी की। इसकी कुल एक साथ 19 थीं। शहरजाद की 17 एक साथ नशर हुई थीं। नंबर 4, दरे शहवार। इस ड्रामे के हिदायतकार हैं हसाम हुसैन और मुसन्निफ उमेरा अहमद हैं। इसकी कास्ट में मिकाल जुल्फकार, सनम बलोच, समीना पीरजादा, नादिया जमील, नुमान एजाज वगैरह शामिल हैं। ये ड्रामा अच्छे हिदायतकार की ताकत की अकासी करता है। इसकी कुल एक साथ 15 थी। ये महज एक शादी और जदीद रिश्तों के बदलते हुए तकाजों पर मजमून बनकर रह जाता अगर हिदायतकार ने इसमें अपनी आला हिदायतकारी और समझदारी से काम न लिया होता। सनम बलोच, मिकाल जुल्फकार, नादिया जमील और समीना पीरजादा की यादगार अदाकारी ने इस सीरियल को मजीद यादगार बना दिया है। दर शहवार की 15 एपिसोड्स हैं। नंबर 3, दाम। ड्रामे की हिदायतकार महरीन जब्बार और मुसन्निफा उमेरा अहमद हैं। इसकी कास्ट में अदील हुसैन, सनम बलोच, आमिना शेख और सनम सईद शामिल हैं। हिदायतकार महरीन जब्बार की खूबसूरत हिदायतकारी ने इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। नंबर 2, हम सफर। साथियों, ये मशहूर और मकबूल सीरियल 2017 पर मबनी था। हम सफर 2011 से 2012 का टेलीविजन सीरियल है जो इसी नाम के फरहत इश्तियाक के नावल पर मबनी है, जिसने स्क्रीन प्ले भी किया था। इसकी हिदायतकारी सरमद सुल्तान खोसट कर रहे हैं और इसमें अदाकार फवाद खान, माहिरा खान, नवीन वकार, अतीका ओढ़ू और हिना ख्वाजा हैं।
ये इस चैनल का आज तक का सबसे कामयाब प्रोग्राम रहा, जो बड़े पैमाने पर सराहा गया और इसने बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी पहचान हासिल की। नंबर वन, दास्तान। दास्तान एक पाकिस्तानी टीवी सीरीज है जो नावल बानो पर मबनी है। ये रजिया बट की तहरीर है और हम टीवी पर सन 2010 में नशर हुआ है। इसकी ड्रामाई तश्कील सुमेरा फजल ने की थी। बरे सगीर में पाक और हिंद की तकसीम और इसके नतीजे में पाकिस्तान की आज़ादी पर मबनी ये कहानी 1947 से 1956 के दरमियान रोनुमा हुई। इस ड्रामे में लुधियाना में रिहायश पजीर एक बने हुए मुसलमान खानदान की लड़की बानो की कहानी दिखाई गई है, जो गैर मुनकसम पंजाब में वाकई है। 1947 से पहले के दौर में ये कहानी बानो और हसन की पैरवी करती है, क्योंकि इन्हें 1947 की आज़ादी के नतीजे में आजमाइशों और तकालीफ का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।